तो गाइस अब यहाँ से निकलने वाली है। कैसी आवाज़ कर रही है गाड़ी, देखते हैं। ये पहली रेड, और देखे जरा यहाँ पे कितना गहरी खाई है। और गाइस देखिए कितना छोटा खीरा है, वाओ। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में स्वागत है और मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। तो गाइस आज का जो व्लॉग होगा वो स्पेशल होगा, क्योंकि हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर एक ऐसे मंदिर पर जो एक बड़े से पत्थर पर बना हुआ है। तो भाई आज मैं आपको वो मंदिर दिखाने वाला हूँ जो कि है साई में। वैसे तो थोड़ा हिली एरिया है पर ज़्यादा भी पहाड़ पर नहीं है। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर तक का रास्ता है साई तक का, तो आराम से हम एक घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बाकी भाई एरिया तो काफ़ी अच्छा है, घूमने लायक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छी अच्छी सीनरी है वहाँ पे, मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। और स्पेशल तो मतलब भाई वो आपको वो मंदिर दिखाना है जो कि बड़े से पत्थर पर बना हुआ है, और उसी के लिए भाई आज व्लॉग शूट हो रहा है। तो गाइज अपने साथ हमेशा मैं हेडफोन जरूर रखता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को आदत है हेडफोन रखने की हमेशा अपने साथ। तो इसको डालते जेब के अंदर। और दूसरा भाई ट्राईपोड, इसको आज हम इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। पहले वाले ब्लॉग में हमने नहीं किया था, मैं लेके गया था बट इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, बट आज हम कोशिश करेंगे कि इससे शूट करें क्योंकि इससे थोड़ा वाइड आता है। तो चलो अब चलते हैं। तो गाइस चलते हैं, सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं तो मैं ही बैठ जाता हूँ, लगभग एक घंटे में पहुँच जाएंगे। तो गाइज हम साई लगभग पहुंच ही चुके हैं, बाकी ऊपर मंदिर पे जाने यहाँ से रास्ता है, बट गाड़ी यहाँ से जो चलानी है वो थोड़ी यहाँ से मुश्किल है। यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पे देखो ये पथरीला रोड है थोड़ा सा, और यहाँ पर देखो इतना बड़ा खड्डा है, यहाँ से कैसे ले लेंगे देखते हैं ज़रा। ओ यार फिरे मुतरे, ये देखो देखो। ओ यार क्या बंदा है यार तू। और यहाँ पर मुंशी को गालियाँ बढ़ रही है, देखते हैं किस तरह से ये चढ़ाएंगे गाड़ी को। तो आज हमारे लिए ये चैलेंज हो चुका है। ओ यार, और यहाँ पर देखिए पत्थर पे यार, रुक जा। इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है इन्होंने, तो कैसे चढ़ाएंगे गाड़ी ये, अब देखते हैं किस तरह से गाड़ी को चढ़ाते हैं। चलो। तो गाइस फाइनली यहाँ से देखो इतने बड़े गड्ढे से चढ़ चुकी है हमारी गाड़ी, तो चलो अब गाड़ी में बैठते हैं। तो गाइस देखिए ये बड़ी सी पिकअप यहाँ पर फंस चुकी है, ये निकल नहीं रही है, अब देखते हैं कैसे निकलेगी। और यहाँ पर हमने गड़ा दिया, यहाँ पर देखो कितना खराब रोड है, हमने पीछे ही खड़ा दिया, हमने रिस्क नहीं लिया भाई। क्या रितेश जी आएगी नहीं यहाँ से गाड़ी भाई? देखो अगर पिकअप नहीं जा रही तो भाई अल्टो तो कहाँ ही जाएगी, क्यों? वो भी देखो वहाँ जाके फंस चुकी है, अब फिर हम कैसे रिस्क ले ले। बाकी वो देखो पीछे जा रहे हैं। तो गाइस देखते हैं ये जाती है या नहीं। ओ नहीं उड़ते निकलनी, तो गाइस अब है बलेनो की बारी, देखते हैं बलेनो यहाँ से लगेगी या नहीं। हाँ पिछले
तो गाइस बलेनो तो बड़े आराम से चली गई, अब अल्टो की बारी है। गाइस अब आ रही है हमारी अल्टो, जिसको लक्की जी चला रहे हैं। देखते हैं ये वाओ, बड़ा अमेजिंग, इन्होंने आखिर निकाली दी। तो गाइस अब यहाँ से निकलने वाली है, पारा कट ला यार। वाओ, अब देखो भाई कैसी आवाज कर रही है गाड़ी। आखिरकार फाइनली फिर से इन्होंने निकाली दी है यहाँ से भी। तो गाइज यहाँ पर होने वाला है कबड्डी का मैच, यहाँ पर प्लेग्राउंड तैयार है। बाकी यहाँ पर टीम्स वगैरह देखो आ चुकी है बच्चों की, तो ये मतलब कि छोटे बच्चे अभी, तो इनका मैच होगा। तो यहाँ पर पहली रेड होने वाली है, तो ये हो चुकी है पहली रेड स्टार्ट। तो आप देखिए ज़रा कैसा हो रहा है मैच यहाँ का। बाकी यहाँ पर मेला लगा हुआ है, यहाँ पर छिंज वगैरह भी होगी यानी कुश्ती वगैरह। बाकी अभी तो कबड्डी के टूर्नामेंट लगे हुए हैं यहाँ पर, मतलब कबड्डी के मैचेस। मंदिर आज मेला यहाँ पर है तो करके, इसलिए यहाँ पर ये सब किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे कैसे रेड डाल रहे हैं भाई। तो देखो भाई वहाँ पर रेडर को पकड़ लिया गया है, तो ये हो चुका है आउट। अब रेड देखते हैं कौन डालेगा, उस दूसरी टीम से आएंगे भाई अब। तो अब ये डाल गया रेड, अब इनका देखते हैं ये कैसा खेलते हैं। चल 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 चल, हाँ तो भाई साहब देखते हैं, लगता है सेव रेड डालेंगे। और गाइस यहां से बड़ा ही तगड़ा व्यू आ रहा, देखो यो देखो गाइस यहां कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ओ माय गॉड, यहां से नीचे पूरा धूण का दिखता है भाई, जितना भी धूण है यहां से यार। हेड तो नहीं आने ऊपर नहीं यार। और गाइस ये है एरिया देखो बड़ा। ओ यार और देखे जरा यहां पे कितना गहरी खाई है, जूम करके देखते हैं। तो गाइस अब आपको शुरू से दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है और कहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट होता है देखिए भाई आगे तक क्या, देखो बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर कबड्डी खेलने के लिए, कुछ पहलवान भी आएंगे अभी। और यहाँ पर दुकानें वगैरह लगी है, एक तरह का मेला है मतलब कि छोटा सा। और यहाँ पर खाना पकाया जा रहा है, देखिए आग वगैरह जली हुई है, यहाँ पर खाना पकाने का वो सिस्टम है पूरा। और बाकी सामने मेरे मंदिर है, वही मंदिर जो मैंने आपको बताया था कि ये मंदिर एक बड़े से पत्थर पर बनाया गया है, मतलब कि जो पत्थर है ना भाई ये ना मतलब खाई से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप दुकानें वगैरह देख लीजिए, इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मेले की जो होते मेले में होती है वही जैसे नॉर्मल दुकानें वही है। बाकी यहाँ मंदिर का आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ, नज़दीक से दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो हाँ गाइस जैसे कि मैं बता रहा था कि ये एक पत्थर पर टिका हुआ है, और ये पत्थर आप ध्यान से देखिए जरा, ये खाई से जुड़ा हुआ है। देखिए एक खाई के पास में मतलब कि एक बड़ा सा पत्थर है ऊपर पहाड़ पे, और उस पर एक मंदिर बनाया गया है। देखो गाइस क्या क्रिएटिविटी है, एक बड़े से पत्थर के ऊपर मंदिर बनाया गया है, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए। और नीचे पूरी खाई खाई है, बहुत ही ज़्यादा गहरा। तो चलिए गाइस आपको थोड़ा सा मंदिर को अंदर से दिखाता हूँ कैसा है। तो गाइस चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस ऐसा कुछ दृश्य है मंदिर का, बाबा बालकनाथ का वो है मतलब कि एक तरह का, ये सिद्ध कहते हैं इसको, सिद्ध पर। और यहाँ पर ढोल वगैरह रखे हुए हैं। बाकी ये है कुछ अंदर का दृश्य मंदिर का, ये देखो। और बाकी गाइस यहाँ से इधर को जाने का भी रास्ता है। और यहाँ पे सामने आप नज़ारा देख ही रहे हैं, व्यू कैसा है यहाँ का पूरा, मतलब कि देखो हरियाली हरियाली है हर तरफ। और पेड़ है यहाँ पे भाई साहब, देखो अलग अलग तरह के है। बाकी आप कबड्डी मैच भी देखो यहाँ पर कैसा चल रहा है, कैसा नहीं, लोग बहुत है। और यहाँ पर वैसे ना एक तरह से मतलब कि आसपास जंगल ही जंगल है, तो नज़ारा और भी ज़्यादा मतलब खूबसूरत लग रहा है यहाँ का। और गाइस इस पेड़ को देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, देखो देखने में। तो गाइस अभी मैं थोड़ा साइड में आ चुका हूँ, तो यहाँ पर आपसे देखो यहाँ का कुछ अभी ऐसा नज़ारा है, यहाँ का तो मैंने आपको दिखाई दिया है। बाकी यहाँ से अगर मंदिर देखा जाए तो ऐसा है। और यहाँ पर भी वो देखो, वहाँ पर भी हुआ है। बाकी काफ़ी अच्छी जगह है भाई, पहले मैं 2-3 साल पहले आया था यहाँ पर, तब कुछ अलग था बहुत ही ज़्यादा, अब बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पर।
तो गाइस सारा सामान हमने गाड़ी में डाल दिया, बस जाने की तैयारी है। बट उससे पहले हम अपनी रिश्तेदारी में जाएंगे थोड़ा नीचे, तो कुर्सी को उठा लेते हैं फटाफट से इसको। तो ये हम बस इसको फोल्ड किया और उठा लिया, बस इसमें गाड़ी में डालेंगे अब। बाकी अब चलते हैं नीचे रिश्तेदारी में, और यहाँ पर हमें कुछ मिलते हैं, ये भी हमारी मिल। तो भाई साहब ने गाड़ी मोड़ी ली है, बस ज़्यादा नहीं मतलब कि 1 किलोमीटर होगा यहाँ से लगभग नीचे को। तो भाई अब हम आ चुके हैं उदय के घर पर। तो हमारे वीर जी देखो वहाँ पर खड़े हैं, जो हमारे बुआ के लड़के हैं, साईमेन का घर है, जो हमारी बुआ जी है उनके घर आए हुए हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा दिखाते। तो भाई साहब ऐसा कुछ घर है उनका, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमारे वीर जी खड़े हुए हैं, यहाँ पर सर्वे हो रहे हैं, सर्वे 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 हो रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, निकाल लिया कितना कितना पैसा खाया, सब सर्वे हो रहे। तो गाइस तो चलते हैं इनके घर में। ऐसे यहाँ पे जिन्होंने घर डाला है ना, लोकेशन बड़ी अच्छी है, साथ में खेत, यार थोड़ा हाइट भी है। बाकी यहाँ पर ये इन्होंने सब्जी वगैरह लगाई हुई है। रितेश ले आऊँगा। और वहाँ पे उन्होंने बुलेट खड़ा रखा है, लगता है बड़ी इनकम है। हेलो, अरे यहाँ हमारे वीर जी, बंद कर दे, इनकम टैक्स की रेड पढ़नी चाहिए इनके थोड़ी सी। इंडियन आर्मी रिटायर इंडियन आर्मी है। नहीं इतने लगना कुछ नहीं। हाँ मैं सर्वे कर रहा, प्रॉपर्टी का कितनी प्रॉपर्टी है, पूरा इनकम टैक्स कमीशन दे मैं। तो टमाटर है ना, तो गाइस यहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं, देखिए टमाटर पापा इनकम टैक्स लगे। तो यहाँ पर ये देखिए हरा हरा टमाटर है, लाल तो मेरे को भी दिख नहीं रहा, बट इन्होंने अच्छा से किया पूरा सजा के। तो चलते हैं अब घर। तो गाइस हम अंदर बैठे हुए हैं, तो इनके देखिए थोड़ा सा आपको रूम दे, ये है उदय कमरा ना, उदय कमरा। तो गाइस ये देखिए महान डिफॉल्टर इंसान की रूम है उदय का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किताब पड़ी हुई है, किताब छोड़कर भाग गया वो ऊपर छिंज में, कबड्डी मैच हो रहा है जहाँ पर, अभी छिंज में लगना नहीं है। यहाँ पर इसने किताब खोली हुई है मैच नहीं, ये भाई मेटेलिक रेडियो शायद ये फिजिक्स की है। तो ये हमारे उदय जी का महान इंसान का कमरा है ये। बाकी यहाँ पर और भी कमरे हैं, ये ऐसे गेस्ट रूम है, ये भी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर किसी का मतलब पर्सनल रूम हो ना, तो यहाँ पर मतलब कि देखो साथ ही में खेत है। देखो यहाँ से अपना बेडरूम, यहाँ पे सीधा खेत साथ ही में, मतलब कि क्या ही मज़ा आएगा, लोकेशन अच्छी है ये, बड़ी अच्छी लगी मेरे को। यहाँ ऊपर लेंटर पर से इसका थोड़ा सा मतलब बालकनी में से एक तरह की ज़रा नज़ारा देखो यहाँ का, मतलब बिल्कुल यार एक फिल्मी स्टाइल जैसा नहीं होता वैसा ही होता है। यहाँ पर लगा हुआ है, लगी हुई है अरबी, ये अरबी के पत्ते हैं भाई। इन्होंने मतलब सब्जी उगा रखी है। तो दीदी जी कहाँ पर है खीरा, है ये बीज खीरा कहाँ पर है। और गाइस देखिए कितना छोटा खीरा है, वाओ। और एक ये लंबा सा खीरा देखिए आप, कहाँ पर बड़ा है छोटा। और वहाँ पर देखिए कितना बड़ा खीरा है गाइस। और क्या क्या लगाया हुआ आपने, और एक देखिए वहाँ पर है। ये देखो दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पर खीरे खीरे लगे हुए हैं, बाकी वहाँ पर मक्की है, मक्की तो आपको पता ही है, खीरे भी आपको पता ही है वैसे। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि सारी सब्जी लगा रखी है मैक्सिमम, है ना दीदी जी ने लगा रखी है सारी सब्जियाँ। तो गाइस यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा लग रहा है, बाकी गाइस व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसको अभी ख़त्म कर रखते हैं। तो अगर आपको आज के व्लॉग में अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मेरे इन्फॉर्मेशन वाला चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी जाकर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय।